आज एक इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में घूम गया था, वो भी 10 या 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज के लिए, वो भी सिर्फ 7 फीट की छोटी सी बोट पर। इस इंसान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कोई चाहते हुए भी तोड़ना नहीं चाहेगा। ये इंसान है जोस अल्वारेंगा। तो ये आदमी समंदर में गया क्यों था और इसने सर्वाइव इतने दिन कैसे किया, जानेंगे इस वीडियो में क्या है पूरी कहानी। तो चलिए देखते हैं। दुनिया में टोटल 5 ओशंस है। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। ये ओशन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर फीट इतना बड़ा है। ये बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि अर्थ पर पूरा लैंड भी आप देखोगे तो 148 मिलियन स्क्वायर फीट है। तो आप सोच सकते हो पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। इस पूरे ओशन में कुछ ही आइलैंड्स होंगे जो छोटे छोटे से हैं और वहाँ पर ज़्यादातर आइलैंड पर आज तक किसी ने पैर भी नहीं रखा होगा। तो कहना ये है, इस विशाल समंदर में अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। जोस मैक्सिको में रहता था। ये बात 17 नवंबर 2012 की है। जोस अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग के लिए एक छोटी सी बोट पर चला गया। जोस एक एक्सपर्ट मछुआरा था। वो सिर्फ एक दिन के लिए उसका प्लान था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया था। 7 फीट की ये बोट जिसमें एक इंजन था और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो फिश रखते थे। एक दिन का खाना लेकर जाने वाले इंसान इनको क्या पता था कि अगले उनके 438 डेज कैसे बीतने वाले हैं। वो मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर ओशन में फिशिंग के लिए चले गए, लेकिन अभी कुछ बड़ा होने वाला था जिससे उनकी लाइफ अगले कुछ महीनों के लिए ख़राब होने वाली थी। और तभी एक बड़ा सा तूफान आ पड़ा। उस तूफान से जान बचाने के लिए उन्होंने जाल को वही छोड़कर बोट घुमाकर उल्टे पैर भागे। कुछ देर बाद वो बहुत आगे आ चुके थे तो उन्होंने देखा कि तूफान काफ़ी पीछे छूट गया है और उनका गांव सिर्फ 20 किलोमीटर था। तभी उनकी किस्मत काम करना छोड़ देती है। अब उनका इंजन भी ख़राब हो जाता है। ना उनके पास कोई ऑप्शन था, ना उनके पास बोट डायरेक्शन कंट्रोल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेज दी और वो बॉस का वेट कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद रेडियो भी साथ छोड़ देता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। वो दोनों काफ़ी चिंता में थे। तभी तेज़ हवा आती है और उन्हें पानी की तरफ पूछ करती है। उनका जो गांव नज़र आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा था। उनके बॉस उनको ढूंढते हैं, बट इतना बड़ा विशाल समुद्र में किसी को ढूंढना इम्पॉसिबल के बराबर ही है। लेकिन जैसे जैसे वो पानी की तरफ जा रहे थे उनका बचना मुश्किल लग रहा था। सिर्फ 5 दिन के बाद वो अपने गांव से 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अभी वो समुंदर की ऐसे जगह पर आ चुके थे कि उनको चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से कोई स्पॉट भी नहीं कर सकता और ना ही वो किसी को सिग्नल दे सकते थे। अभी उनके बचने का चांस 1% भी नहीं था। वो भूख लग जाती तो आसपास समुंदर में मछलियों को पकड़कर कच्चा खाते थे। खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए बारिश का पानी समुंदर में बहते हुए बॉटल्स में भरकर पीते थे। जब बारिश ना हो तो मछलियों का खून निचोड़कर पीते थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और कुछ महीने बाद उनका मेंटल टॉर्चर इतना बढ़ गया था कि उनके दोस्त ने वापस सुसाइड कर दिया और अभी छोटी सी बोट पर अकेला जोस बचा था। उसके साथ कोई नहीं था और उसने कभी गिव अप भी नहीं किया और वो अकेला जिंदगी गुजार रहा था। 6 महीने हो चुके थे। अभी जोस काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन उसे इस बार समंदर में कार्गो शिप दिखाई दी। उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो गया। 6 महीने बाद उसे पानी में पहली बार ऐसा कुछ दिखा जिससे उसे लगा कि उसके जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जग गई थी। जोस ने शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन जोस की बोट इतनी छोटी थी कि दिखाई भी नहीं दे पाई और इस बार भी उसको उम्मीदों से हाथ धोना पड़ा। इमेजिन कीजिए, इतने बड़े ओशन में एक एक दिन मौत से लड़कर जीने के बाद एक जान बचाने का मौका मिला हो और वो भी गवा जाए तो कैसा फील होगा। 11 महीने बीत चुके थे। अभी जोस 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके बॉडी पर कपड़े भी नहीं बचे थे जिससे वो बॉडी ढक सके या फिर सन से प्रोटेक्ट कर सके। आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जहाँ पर उसकी किस्मत मेहरबान होती है। अभी 14 महीने हो चुके हैं। 14 महीने के बाद उसे आसपास नारियल टहरते हुए दिखते हैं। वो समझ चुका है कि यहाँ पे नज़दीक कोई आइलैंड है। उसने देखा तो एक आइलैंड उसे नज़र आया। उसे डर लगा कि आइलैंड इस बार मिस ना हो जाए, इसलिए उसने पानी में कूद दिया और स्विम करके वो आइलैंड पे पहुंच जाता है। टोटल 14 महीने के बाद जोस ने पहली बार ज़मीन पर पैर रखा तो उसे वहाँ पर एक इंसान दिखा
जो उसने 438 डेज के बाद किसी इंसान को पहली बार कांटेक्ट किया था। वो लगभग 11,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके बाद उसे घर भेजा गया और उसे और मुसीबत में घेर लिया। वापस जाकर उसने 438 नाम की बुक पब्लिश की। जोश को अपने साथी को मारने का केस लगाया गया जिसने पानी में सुसाइड किया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।